रहीम सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैर खैरियत से। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ जूँ है कि जी बच्चों की पेपर हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका था काफ़ी दिनों के, नहीं बुक्स वगैरह इनकी नहीं ली। आज बच्चों की तैयारी कर ली, चलते हैं स्कूल इनके, तो उधर से बुक्स वगैरह लेके देती हूँ, जो भी चीज़ें लेने वाली हैं वो लेके चलती हूँ। तैयारी शारी मैंने कर ली और बच्चों के भी कर लिए, अभी चलते हैं उनको लेके और बुक्स लेके देती हूँ। उसके आगे जो भी सीन हुआ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। कर लिए चीज़ भी खा रहे थे, हूँ असं चलते हैं तो बाकी जाके स्कूल जो भी टीचर गया फिर वो कर दें। रहमान रहीम जी घर असं किताबा लैके आ गए, बच्चों को किताबा लैती हैं, जिल्द भी उन्होंने वैसे तो की थी कोई। अम्मा जी देखो मेरी है पूरी जिल्द दे। हाँ जी जिल्द उन्होंने की थी। हाँ देखो मेरी पूरी जिल्द दे। हाँ जिल्द सही है ना। हाँ जिल्द सही है। तो जड़ी वो दूसरी जिल्द ये तो बस कागज तरह दी हैं। हाँ जी जी आ किताबा हो गई, आ डायरी बच्चों ने माशाल्लाह जी नवे बैग भी ले लाए, आंदे गए बस स्कूलों से उन्होंने नवे बैग अपने रेडी कर लिया, हर सारिया चीजा बिच पा लिया। एक सैडा तो कापियां या किताबा दे कोने मुड़ने नहीं चाहिए, जेदी कापी किताब शहीद हो ना। कबीर कापियां ते डायरी जड़ी है ना उपर पा, जड़िया किताबा है नीचे वाली बेजे पा। कापियां हाँ कापियां इत्थे पाओ ना, डायरी भी इत्थे पाओ। दूसरे साइड ते बनया नहीं है मैम, नहीं बनया। चलो ठीक है, शापर दे कोल छिलके पाई दे, बैग दे विच छिलके नहीं पाई दे ना, दोबारा निकल दे बैग साफ ही कोई नहीं हुंदा। आ लो अपनी रेजर भी, मैनू लभ गई ना, तुसी अपनी पाओ विच। चलो सारिया चीजा तैयार हो गई ना, शोप रेजर पैलसन ते कापियां डायरियां किताबा सारिया पूरिया हो गई। चलो इनशाला सुबह तो अल्लाह पाक ने खैर रखी ते सुबह जाओगे स्कूल, तुहाड़ियाँ भी होई गए ना सारिया, तू भी कापियां उपर पा विच, किताबा नीचे पाइया ना, तो डायरी कितने पाई है। हाँ जी हाँ जी, यूनिफॉर्म भी सारा कुछ, तो नाले सुबह तो हूँ मैम के शूज सही है, तेरे शूज वो खराब हो गए हूँ सुबह तो, तू सैंडल पा जाई, सैंडल पा जाई ना, तो टीचर ने पूछेगी शूजा तो, तू टीचर जी मेरे शूज खराब हो गए तो हूँ गर्मी आ गई फिर अगले साल, ठीक ना। यूनिफॉर्म कपड़े नहीं कपड़े नहीं, हूँ बड़ी देर कपड़े पा ले मैम, अपने पेज सीधे रखने हैं ठीक है ना। और सही करके बैग अपना रखो, छोटी मेजी के उपर सीधे सीधे बैग आने चाहिए थोड़े, बैग गंदे नहीं होने चाहिए। अल्लाह पाक ने जी रहमत वाला महीना लिया, इस वास्ते सुबह रोजे की तैयारी भी हो रही है, साथ नाल पालक का बना दी, नाल पालक रखी कुछ पकौड़िया वास्ते, सुबह पकौड़े भी बनावांगे, इस वास्ते जी अल्लाह पाक सबनों मैं कास्टर भी
अच्छा सेहत तंदुरुस्ती दे ते मैं ते समीने रोगा रखना और कबीरा मैमा हजे छोटे है लेकिन इन्हें पता नहीं रखते या नहीं रखते सुबह पता चलेगा ते मैं दी तस्मीर दी ते बहुत तैयारी के ते दूसरे आंदा हुन पता नहीं ते हुन दो शुद्ध गर्म कर लिया सालन बना दी है ते आलू कटने वाले रह गए ते नाल प्याज प्यूज जड़ी चीज़ा प्याज का भी सारियाँ फिर सालन बना दी है क्योंकि काफ़ी टेंशन थी बच्चे स्कूल नहीं सी जा रहे थे इस वास्ते क्योंकि पहले सारा प्रोग्राम होर सी कश्मीर बेटे की टेंशन लगी हुई थी कश्मीर बेटे के स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल है जो टीचर उन्होंने पता सू तनखावान लग ही जाए कोई बिल्कुल स्कूल का हाँ जी जी तो हम असी सारिया चीज़ा फटाफट तैयार करके ना फिर बना दी सालन या सुबह की कोई खराब हुई मेरा हाई हो गया है इस वास्ते बच्चों खाना शाना तो बना के देना ही इंसान बीमार हो चाहे ठीक हो घर में कोई होर है जिन्हें बना के देना हरे वैसे समीर चाहिए कि हांडी रोटी कर लिया करे हम वा हो गया मेरी एक है सी एक है तो शायद छिपकली मेरी चड़ेल मैं बेटी अरे छोटी तो भी छोटी छोटी है ना उन्हें आटा गूंद के रोटियां पका लिया करनी है समीर ने हांडी पका लिया करनी क्योंकि इन्हें बर्तन तो हम वाले की टीवी पे एक एक गूंगा ही था एक गूंगा नहीं ही दोनों गूंगा ही कौन ही होते गूंगा रिएक्टिंग कर जन रिएक्टिंग कर देती हां रहमान रहीम जी मगरब की अज़ान काफ़ी हो देर की हो चुकी है नमाज भी नहीं पड़ेगी आ गए थे मेहमान तो उनको चाय पानी दी गया तो अभी वो गए हैं तो अभी बना रही हूँ जी सालन क्योंकि बच्चों को साग पड़ा था उसके साथ पराठे बना दिए बच्चों ने खा लिए हैं तो अभी मैंने कहा जैसा सुबह फिर टेंशन बनेगी बच्चों ने जाना है जी फर्स्ट टाइम स्कूल तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कहा खाना बना लूँ सालन बना के रख लूँगी क्योंकि तड़का छड़का तैयार होगा बस 10 मिनट लगेंगे बन जाएगा तो ये पालक मैंने काट के रखी हुई है तो ये हैं जी आलू तो अभी ये पानी में डाल के ना धो लेती हूँ अच्छी तरह आलू भी धो लूँगी तो फिर मसाले वगैरह ऐड करने हैं तो मसाले वगैरह ऐड करने से पहले ये मैं धो के रख लूँ ये मैंने अपने पास बाल्टी रखी हुई इसमें डाल के ना खुले पानी में धो लेती हूँ क्योंकि मिट्टी वगैरह सारी पालक से उतर जाए तो अभी धो लेती हूँ पहले मिला रहमान रहीम जी मसाले मैंने ऐड कर दिए अभी इनको मिक्स करती हूँ और अच्छी तरह इनकी फ्राई करती हूँ क्योंकि देर तो काफ़ी हो चुकी है लेकिन सालन प्यारा सा बन जाए क्योंकि समीर बेटे की दवाइयाँ खा खा के ना मुँह का जायका चेंज हो गया तो ज़्यादा नखरे करना शुरू हो गए हैं बच्चे तो इसलिए अभी जी बाल्टी में पानी डाल के ना अभी मैंने पालक और आलू डाल दिए हैं अभी मसाले की अच्छी तरह भुनाई होती है तो फिर इसमें पालक और आलू ऐड करूँगी माशाल्लाह जी गुलाब जामुन ये टी सेट कितना प्यारा लगता है रहमान रहीम जी पालक और आलू मैंने डाल लिए हैं मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद तो अभी पालक की भुनाई करती हूँ पालक और आलू की अच्छी तरह तो फिर इसमें पानी ऐड करूँगी रहीम जी सुबह सुबह का टाइम है तो बच्चों के लिए लगा के रखा था जग दूध के लिए क्योंकि दही के लिए तो अभी चेक करते हैं जे सही जमा है या नहीं क्या बना है इसका भी माशाल्लाह जी दही साड़ा बन गया फिर हम असी रखते हैं फिर बच्चे गए इस बारे से पढ़ के आते हैं तो फिर उन्हें रोटी दें पर कवर कर देने हूँ जी यार मेदे वाला कैप्सूल खाना पहले तो फिर कोई और काम करती हैं क्योंकि उठ के पहले सब तो पहले नमाज पढ़नी है तो फिर उठ के पहले गोलियां खानी है तो फिर जाके कोई काम होना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी माशाल्लाह बच्चों ने तैयारी कर ली है अज जा रहे जी फर्स्ट डे इनका रिजल्ट तो बाद स्कूल है कल बुक्स वगैरह ले आंदियां सी तो बैग शैग पा ले तैयारी शैरी कर ली है तो हुण बच्चे चले जे स्कूल तो हुण
मेहमान की तैयारी भी होगी। हाँ जी खुश हो जी, रेजर पैरसन हर चीज़ बैग दे बच्चे ना। हाँ जी जी चलो फिर अल्लाह हाफिज़ करो हूँ। माशाल्लाह जी अल्लाह पाक खुश रखे। मैंने रहीम जी आया था सब्जी वाला भाई, ये मटर लिए हैं और साथ में लिए ये गाजरें, क्योंकि समीर बेटे का उन्होंने काफ़ी दिनों से पहले मामा जी पटीरी बना दो वो नहीं खाई, पहले गजरेला बनाया था तभी कहता मामा जी दोबारा फिर गजरेला बना के दो, इसलिए अभी लिए हैं गाजरें। तो कल रात को अपने पापा को भी कह रहा था तो इसलिए अभी जी ये कपड़े सूख चुके हैं, ये प्रेस करने वाले हैं। बाकी साफ़ सफाई जो डेली के ना कपड़े नहीं ख़त्म होते, तो जब पहननी हो तो फिर इंसान को मिलते नहीं। आज बच्चों को छुट्टी भी जल्दी होनी है तो ये सारे काम कर लेती हूँ। रहीम जी अभी लगी हुई चटनी कूटने के लिए, जिस सब्ज़ मिर्चें तीन डाली हैं, ये पुदीना और धनिया है, ये डाल के ना इस तरह इसको पीस के रखूँगी क्योंकि खाने के साथ खाऊंगी कि फिर ही शायद मेरा ठीक हो जाए, वरना माह रमज़ान भी आ रहा है तो कोई मैदा वगैरह ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मैंने कहा जे वगैरह सारी चीज़ें ना कूट के कहते खाओ तो फिर ठीक हो जाएगा। ये मैंने धो के हर चीज़ रखी हुई थी, अभी जी ये पीस लेती हूँ सारी चीज़ें ना डाल के। पुदीने के साथ खाई जाए, वैसे तो मुझसे खाई नहीं जाएगी, ये चम्मच के साथ ही है बस, ये मजबूरी के तहत दवाई समझ के ही इंसान खा ले, वैसे मुझे पुदीने की ना स्मेल बहुत ज़्यादा आती है तो इसलिए। अभी जी इसी तरह पीस लेती हूँ।